हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेटस बार के बारे में, जैसे कि हम स्टेटस बार सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस बार पे जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे कि नोटिफिकेशन आइकन है, तो नोटिफिकेशन आइकन को आप आइकन में शो करना चाहते हैं या फिर नंबरिंग में शो करना चाहते हैं या फिर डोनट शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल, बैटरी स्टाइल को आप हॉरिजॉन्टल में रखना चाहते हैं या फिर वर्टिकल में रखना चाहते हैं या फिर लूप में रखना चाहते हैं या फिर डोनट शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज, तो बैटरी परसेंटेज को इनसाइड बैटरी आइकन रखना चाहते हैं या फिर आउटसाइड बैटरी आइकन रखना चाहते हैं या फिर डोनट शो करना चाहते हैं कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा और आपकी रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऐसे शो नहीं होगी, इसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा या फिर नेट ऑन करना होगा, तभी आपका रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो होगा। ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।